बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुश आमदीद, वेलकम, सुस्वागतम टू द चैनल लेट्स लर्न विद मोहम्मद याकूब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, सम वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब, सम वर्ब्स आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स, some verbs are known as intransitive verbs, but some verbs are transitive verbs as well as intransitive verbs. Dear students, transitive verb or intransitive verb में इसके इस्तेमाल में क्या फर्क है, तो आइए आज हम समझने की कोशिश करते हैं। Dear students, listen to me with concentration and try to understand. Dear students, transitive verb, intransitive verb. Dear students, transitive verb के लिए sentence formula है subject plus verb plus object, while intransitive verb के लिए subject plus verb प्लस, डियर स्टूडेंट्स देखिए हम एग्जाम्पल्स के जरिए ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमने ये बहुत ही आसान इजिएस्ट एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश किए हैं। मुझे उम्मीद है कि स्लो से स्लो लर्नर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है, अपना कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर सकता है। डियर स्टूडेंट्स, लिसन विद कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एग्जांपल, डियर स्टूडेंट्स आई कन्विंस, मैं समझाता हूं, आई कन्विंस, मैं समझाता हूं। अब समझाता हूं तो किसको समझाता है, ये सवाल पैदा होता है, इसलिए आई कन्विंस, मैं समझाता हूं राजू को। आई कन्विंस राजू, मैं राजू को समझाता हूं। अब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं इस तरह, आई कन्विंस द स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को समझाता हूं। आई कन्विंस द पीपल, मैं लोगों को समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल देखिए, आई गाइड, मैं रहनुमाई करता हूं। आई गाइड, मैं रहनुमाई करता हूं। अब रहनुमाई करता है तो किसकी रहनुमाई करता है, देम, उनकी। आई गाइड देम, मैं उनकी रहनुमाई करता हूं। आई गाइड द स्टूडेंट्स, मैं तलबा की रहनुमाई करता हूं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, सब्जेक्ट आई, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जुमला बोलने से पहले हमें सवाल पैदा होता है कि कौन, तो आई क्या करता है वो। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, कौन, आई क्या करता है, आई क्या करता है, समझाता है, कन्विंस, किसको समझाता है, राजू को। कौन, आई क्या करता है, गाइड करता है, किनको गाइड करता है, देम, उनको। आई कौन, आई क्या किया उसने, लिया, टुक, लिया, क्या लिया उसने, ब्राइब, रिश्वत। डियर स्टूडेंट्स, कौन, आए क्या करता है, अराउज, बेदार करता है, जगाता है, उठाता है, किनको, देम, उन्हें, उनको जगाता है। कौन, आए उसने क्या किया, किल्ड, मारा, कत्ल किया, क्या कत्ल किया, किसको मारा, आई स्नेक, सांप को मारा। कौन, आए
क्या करता है? अरेस्ट, गिरफ्तार करता है, पकड़ता है। किसको? हिम, उसको। डियर स्टूडेंट्स, कौन? आई, मैं। क्या क्या किया? आस्क्ड, पूछा। क्या किसे पूछा? हर, उसे, किसी खातून को या लड़की को। डियर स्टूडेंट्स, कौन? आई, क्या करता है? बातचीत करता है, कन्वर्स। किसके साथ बातचीत करता है? विद हिम, उसके साथ। कौन? आई, क्या करता है? क्या करता है? तरक्की देता है, आगे बढ़ाता है। प्रोमोट, किसको तरक्की देता है, किसको प्रोमोट करता है, किसको आगे बढ़ाता है? राहुल, राहुल को। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बाद में जुमला कंप्लीट नहीं होता तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का फॉर्मूला हमने देखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप इन ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एटसेट्रा। डियर स्टूडेंट्स, कौन? मैं। क्या करता है? सोता है। कौन? मैं। क्या करता है? सोता है, स्लीप। मैं सोता हूं, आई स्लीप, मैं सोता हूं। कौन? आए। क्या करता है? तैरता है, स्विम, तैरता है। हो गया, कंप्लीट मीनिंग हो गया। कौन? आए। क्या करता है? दौड़ता है, रन, दौड़ता है। कौन? आए। क्या करता है? मोहब्बत करता है, उखुवत, मोहब्बत, उल्फत करता है, लव, आई लव। कौन? आए, समझता है, समझता है, अंडरस्टैंड। कौन? आए, काम करता है, वर्क, आई वर्क। कौन? आए, अर्न, कमाता है, अर्न, कमाता है। कौन? आए, इबादत करता है, प्रे। कौन? आए, सफर करता है, ट्रैवल, सफर करता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि जब हमने कौन के बाद में वो क्या करता है, सोता है, सोता है के बाद में जो है तो आपको मफूल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मफूल की ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब वर्ब के बाद में किसी जब वर्ब के बाद में फेल के बाद में अफाल के बाद में मफूल की यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े तो वही तो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप जो है तो सेंटेंसेस भले ही आप बढ़ा सकते हैं एडवर्ब के साथ में, एडवर्ब जोड़कर। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं रात में जल्दी सोता हूँ, मैं रात में जल्दी सोता हूँ। आई स्लीप अर्ली एट नाइट, आई स्लीप अर्ली एट नाइट। मैं सुबह तैरने जाता हूँ, मैं सुबह तैरने जाता हूँ। आई गो टू स्विम अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। डियर स्टूडेंट, मैं सुबह तैरता हूँ। आई स्विम इन द मॉर्निंग। मैं सुबह दौड़ता हूँ, आई रन इन द मॉर्निंग। मैं शाम में दौड़ता हूँ, आई रन इन द इवनिंग। उसके बाद में देखिए, मैं बहुत ही उखवत, मोहब्बत और उल्फत करता हूँ। आई लव टू मच। डियर स्टूडेंट्स, मैं आसानी के साथ समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड इजीली। मैं दिलचस्पी के साथ काम करता हूँ। आई वर्क केयरफुली। आई वर्क विद इंटरेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत ज्यादा कमाता हूँ। आई अर्न टू मच। मैं बहुत इबादत करता हूँ। आई प्रे टू मच। मैं सफर करता हूँ, मैं पूरे भारत का सफर करता हूँ। आई ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि इन अफाल को, इन वर्ब्स को
ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, लेकिन इसके बाद ही हम अभी और भी बेस्ट एग्जांपल्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ दूर हो जाएगा। आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। डियर स्टूडेंट्स, कौन, आई सब्जेक्ट, क्या करता है, स्पीक बोलता है। अब आई स्पीक, आई क्या करता है, बोलता है, तो क्या बोलता है, इंग्लिश, उसकी जरूरत पड़ रही है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये जो है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब की हैसियत से इसका रोल है यहाँ पर, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पर देखिए, आई स्पीक फ्लुएंटली, आई कौन, आई क्या करता है, स्पीक बात करता है। अब यहाँ पर जो है तो फ्लुएंटली रवानी के साथ, आई स्पीक फ्लुएंटली, मैं रवानी के साथ बात करता हूँ। यहाँ पर जो है तो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, दोनों लफ्ज एक ही, लेकिन ये यहाँ पर जो है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी स्पीक हमने समझे हैं कि स्पीक इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एज वेल एज इनट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, लता सेंग अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। लता किसने, कौन, लता क्या किया, गाया, सेंग गाया, क्या गाया, लता ने क्या गाया, अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बहुत सारे गीत, बेशुमार गीत। यहाँ पर जो है जब हम लता के बाद में लता सेंग, लता ने गाया, तो क्या गाया का सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पर, इसलिए ये यहाँ पर जो है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, लता कौन, लता क्या करती है, सिंग्स गाती है, लता गाती है, मेलोडियसली। डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फाज कंफ्यूज करता है कभी आपको, कभी कभी हम इसको मेलोडियसली पढ़ते हैं, कभी मेलोडियसली, तो दोनों भी प्रोनाउंसिएशन, बोथ ऑफ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। मेलोडियसली। तो डियर स्टूडेंट्स, लता क्या, कौन, लता सिंग्स गाती है। अब यहाँ पर मेलोडियसली, लता सुरेली आवाज में गाती है, यहाँ पर जो है तो क्या गाती है का सवाल नहीं आ रहा है, हो रहे हैं यहाँ पर, बस मेलोडियसली यानी सुरेली आवाज में गाती है। तो यहाँ पर जो है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ और ये इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ, हालांकि दोनों वर्ब एक ही है, ये सिंग का पास्ट टेंस सेंग है। यानी हमने इन दोनों एग्जाम्पल से समझे हैं कि सिंग जो है तो सिंग इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एज वेल एज इनट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तबस्सुम रीड्स इंग्लिश वेरी फास्ट। तबस्सुम कौन, तबस्सुम क्या करती है, रीड्स पढ़ती है, क्या पढ़ती है, इंग्लिश पढ़ती है वेरी फास्ट, तबस्सुम इंग्लिश पढ़ती है। लेकिन यहाँ पर देखिए, तबस्सुम रीड्स पढ़ती है विथ कंसेंट्रेशन, ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ती है, लेकिन कि तबस्सुम रीड्स पढ़ती है। अब यहाँ पर जो है तो ये नहीं बताया जा रहा क्या पढ़ती है, इसलिए ये यहाँ पर जो है तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ और यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब। हमने ये दो एग्जाम्पल के जरिए समझे हैं कि रीड जो है तो रीड इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब एज वेल एज इनट्रांजिटिव वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज हमने सीखा है, सम ऑफ द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव, सम ऑफ द वर्ब्स आर इनट्रांजिटिव वर्ब्स, सम ऑफ द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव वर्ब्स एज वेल एज इनट्रांजिटिव वर्ब्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ इन आसान और उम्दा मिसालों के जरिए मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन 101% दूर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, की प्रैक्टिसिंग बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।